हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग हाउ आर यू कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप सब बहुत ही बेहतर होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे आई नो फेस्टिव सीजन है सो आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर एंगेजमेंट्स इन अदर थिंग्स आल्सो एज वेल एज स्टडी एंड इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो एज रिक्वायर एज स्टडी सो समाइम यू शुड गिव अ लिटिल बिथ टाइम टू अस फॉर सेलिब्रेशन एंड सम क्वालिटी टाइम स्पेंड विथ योअर फैमिली राइट बट डोंट फॉर्गेट अ स्टडी एक्चुअली बिकॉज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योअर लाइफ आज के समय में फेस्टिवल्स दो दिन तीन दिन के है ये कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है दो दिन तीन दिन आप उसको थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए जैसे धनतेरस है फिर दिवाली है बाकी और भी uh, कई सारे चीज़ें होती है वो सारे रिचुअल्स है एंड देन आफ्टर मगर आपको जो है पढ़ाई को लग जाना है कोई फेस्टिवल्स नहीं कुछ भी नहीं ये सब देखकर आप जो है आफ्टर टू और थ्री डेज सो देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन वेरी रिलीजियसली एंड वेरी जेंटली जैसे जितना डेडिकेशन आपको दिवाली का नाम सुन के अंदर से गुदगुदी होती है या अंदर से जितनी खुशी होती है हमें भी होती है बचपन का मतलब दिवाली बड़ा त्यौहार है पूरे भारत भर में मनाया जाता है सो so, वैसी खुशी आपको आई के नाम से आनी चाहिए यूपीएससी के नाम से आनी चाहिए राइट right? बिकॉज उतना रिलीजियस फेथ इतना जेंटली इतना डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए सो so, आप सभी को फेस्टिव सीजन की सारे फेस्टिवल्स की जितने भी है उन सभी फेस्टिवल्स की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम्पुर परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से भी और चलिए बात करते हैं पढ़ाई की तो पढ़ाई में अगर हम देखें सो so, चाइनाज न्यू एजुकेशन लॉ ऑलरेडी पास इन चाइना का एजुकेशन पॉलिसी पढ़े तो समझ में आता है चाइना की क्यों पढ़ी जाए यू नो इट इज मे बी नो समाइज आर फील की इट इज अ टाइम वेस्ट एक्चुअली बट नो देखिये वेन आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना एंड वेन यू टॉकिंग अबाउट द चाइना दाइना Uh, you know the faith is common. Log, we cannot away from the uh, our path actually because the China is our neighbor and some border dispute with the China and that's why whatever in China it's and everything so we must know <coughs> for the preparation for the as an uh, citizen of India. So at least you should know what is because see the one thing is that that new education law and the new education policy made an impact on india right why impact on india how impact on india if i am talking about and if i am asking going to asking you so what is the impact on uh, china's new education policy or new education laws passed by chinese government and how impact on india so you think in that way because this question came from uh, may, uh, definitely they will uh, whenever you face an interview so this kind of question asked by panel okay and so that's why the you should ready to give an answer so this is the new law because this child actually those child in china right now so they go through this education policy revision law and they become a citizen uh, i mean they become a elder and they become a uh, writer पोलिटिकल एंटिटीज और ब्यूरोक्राट्स और बिजनेस मैन एंड इच एंड एवरी थिंग सो इफ दे टॉट लाइक दैट कि इंडिया के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है या इंडिया एज अ एनिमी जैसे लगाया जाएगा तो आपने देखा होगा सो so, इन सब चीजों को जो अगर आप थोड़ा सा उस ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखें तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट अभी जो नया लॉ पास हुआ है वो कुछ और तरीके की बातें बता रहा है और ये देखना बहुत जरूरी है तो देखते हैं क्या है ये क्यों चर्चा में है राइट सो देखिए वाई न्यूज एक्चुअली द जो एन आई ए पास द न्यू एजुकेशन लॉ अक्टूबर ट्वेंटी थ्री इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इसका मेन एम क्या है दिस इज एक्चुअली दोज आर बर्डन फ्रॉम बर्डन बर्डन फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम एंड दैट्स वाई दे वॉन्टेड टू बी डिमोलिश दिस बर्डन डिमोलिश एंड टू कट कट ऑफ दिस बर्डन एंड दैट्स वाई दे न्यू पास न्यू लॉ दिस इज द ट्वीन बर्डन आई मीन टू डबल बर्डन यू नो इट्स अ डबल बर्डन ऑन स्टूडेंट डबल बर्डन ऑन स्टूडेंट देखिये विद्यार्थियों को लेके पूरी दुनिया बहुत चिंतित है राइट विद्यार्थियों को लेके पूरी दुनिया बहुत चिंतित है इंटरनेट गेमिंग एंड मेनी थिंग्स एक्चुअली आर अफेक्ट स्टूडेंट एंड दैट्स वाई द एवरी वन इज वेरी टेंस अबाउट इट्स वेरी सीरियस अबाउट दिस टॉपिक एंड दैट्स वाई सो वॉट इज द डबल ट्वीन बर्डन ऑन चाइनीज स्टूडेंट सो होम वर्क एंड ऑफ साइड ट्यूटरिंग इन कोर सब्जेक्ट बिकॉज चाइना में जो है बच्चे ना पैदा करने के लिए देखिये जैसे चाइना ने अभी थ्री uh, चाइल्ड पॉलिसी जो है अपनाई है वाई बिकॉज वहां पे जो लोग थे वहां के पे जो पेरेंट्स थे दे पेरेंट्स दे डोंट वॉन्ट They don't have time money right and they don't want education burden financial burden financial burden, right? So that is the problem actually. Waha ke jo, uh couples hai, they don't have time to uh, pampering a baby. एंड उसको ग्रोन अप करना और इन सब चीजों के लिए क्योंकि वो बहुत बिजी है अपने कामों में अच्छा एक एक रीज़न है दूसरा रीज़न है एजुकेशन का जो फिनेंशियल बर्डन पड़ता है वो काफी ज्यादा है एंड दैट्स वाई दे थिंक नहीं बच्चे नहीं पैदा करने और यही वजह है कि जो ट्यूटरिंग की फीस है ऑफ साइड सम काइंड ऑफ अदर एक्टिविटीज है वो इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन चाइना एंड पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फुलफिल दे आर नीड एक्चुअली चार्जेस वाई दे आर डी मोर टू बिकम पेरेंट्स पेरेंट हुए बहुत ही इंटरेस्टेड नहीं होते इसलिए बच्चे भी कम पैदा करने का एक रीजन देखा गया है चाइना में एंड दैट्स वाई दे पास न्यू लॉ राइट देखिये मैं यहाँ लिख के जो, लिख के जो दे रहा हूँ आपको आपको तुरंत आपको अपने नोट्स में जरूर उससे उतार लीजिए ये बेहद जरूरी है नहीं तो फिर आप कैसे ना कि भूल जाएंगे ये बाकी चीजें यहाँ पीपीटी में मत देखिए पीपीटी में जो है वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगा पीडीएफ के थ्रू बट यहां जो मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे जो लिख रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर कंसेप्ट क्लैरिटी लोकल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चाइना में लोकल गवर्नमेंट है जैसे हमारे पंचायत वगैरह होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट वहां की जो भी होंगी उनकी ये जिम्मेदारी है कि दे लुकिंग फॉर दिस मैटर एंड एंश्योर कि ट्विन प्रेशर आर रिड्यूसेड जो बच्चों के ऊपर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के ऊपर जो अभिभावक उनके जो है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के ऊपर जो ट्विन प्रेशर प्रेशर है वो कैसे कम किया जाए इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी लोकल गवर्नमेंट की है पेरेंट्स अरेंज देयर चिल्ड्रंस टाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाव डेज स्टूडेंट्स आर वेरी बिजी इन स्कूल आफ्टर टूचर्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुल एक्टिविटीज एंड इफ देव अम टाइम सो दे है ये जिन ये जो पांच इंच का छह इंच का जीन है ना ये और इसमें पबजी जैसे गेम पबजी राइट पबजी जैसे गेम सो दिस इज वेरी डेंजरस थिंग फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स एंड दैट्स वाई टाइम एंड दे अकाउंट फॉर रीजनेबल रेस्ट एंड एक्सरसाइज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देखिए अकाउंट दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स कि स्टूडेंट्स को रेस्ट मिलना चाहिए और साथ ही साथ उनको एक्सरसाइज के लिए भी टाइम मिलना चाहिए यस yes. चाइना जो है देखिए किसी दिन मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से चाइना जो है ओलंपिक में बॉस बन गया है पूरी दुनिया में मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट आ, एक आ, रिसीवर जो बिगेस्ट विनर ऑफ द गोल्ड मेडलिस्ट एंड अदर इज मेडलिस्टो सो ये क्यों बना है चाइना इसकी बहुत रंजक रोचक कहानी है किसी दिन जरूर लूंगा जब अपनी रेगुलर क्लासेस वैसे शुरू हो जाएगी रिड्यूस करना है प्रेशर एंड ओवर यूज जो है वो इंटरनेट का उसको भी कम करना है एजेंसी वहां के एजेंसीज ने पाया कि बच्चे जो है इंटरनेट का ओवर यूज करते हैं लाइक टिकटॉक ऐसे लिखते हैं ना टिकटॉक ऐसे ही शायद टिकटॉक राइट टिकटॉक जो है ये मुझे तो टिकटॉक मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं उसे क्या है वो टिकटॉक है आ, उसके बाद जो है स्नैप स्नैप वीडियोज है फिर वहां के जो आ, लोकल व्हाट्सएप एंड फेसबुक जैसे वहां पे नहीं चलता है तो वहां के लोकल जो सोशल मीडिया ऐप है सोशल मीडिया एप्स है उनपे और साथ ही साथ पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखिए भारत भी जो है ना भारत भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने में दुनिया में पहले देशों में आता है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आता है भारत इतना पोर्नोग्राफिक कंटेंट भारत में कंज्यूम किया जाता है एंड दैट्स द वाय वहां के जो स्टूडेंट्स हैं टीनेजर्स हैं उनको बचाने के लिए जो है इंटरनेट का यूज को लिए जो है ओवर यूज नहीं करने देना है स्टडी के अलावा नहीं करने देना है इसके लिए जो है चाइनीज गवर्नमेंट नया कानून पास करी है राइट right? अब देखेंगे कि अदर स्टेप्स क्या लिए चाइना ने वो देखे एक टाइम जो है उनकी चिल्ड्रंस के लिए एक मतलब वहां सरकार ने पूछा है दे आस्क टू द पेरेंट्स एंड द स्कूल एंड लोकल गवर्नमेंट टू अरेज ए टाइम फॉर योर चिल्ड्रन फॉर प्रॉपर रेस्ट दे नीड ए प्रॉपर रेस्ट ऐसे नहीं कि इसे रेस में लगे हुए सुबह उठे बच्चा नींद में है और उसको मम्मी तैयार कर रही पाउडर लग, टिकली चिपका रही है कि नहीं बच्चे को। जैसे देखे ना आपने हमारे घरों में तो आप काला टिक्का भी लगा देते ताकि नजर ना लगे बच्चे को अरे वो नींद से बच जाए बस यही है उसको प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत देखिए नींद प्रॉपर नींद आपको बहुत जरूरी है अगर आपको इफिशियंसी लाई अपने काम में अगर एक्सरसाइज एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह है उसको भी बैन करना है ये न्यू लॉ जो है वो करेगा होमवर्क को कट करेगा बहुत ओवरलोड ओवर होमवर्क नहीं देना है ओवर होमवर्क नहीं देना है नो मोर नो मोर होमवर्क राइट ओवरलोड नहीं देना है साथ ही साथ जो आफ्टर स्कूल ट्यूशन्स है उसको भी बैन किया गया है ट्यूशन बैन किया गया है और वीकेंड्स और हॉलीडेज को जो है मेजर सब्जेक्ट जो रहेगा सब मेजर सब्जेक्ट ओनली वीकेंड्स पे लिया जाएगा वीकेंड्स पर जो है वो मेजर सब्जेक्ट को लिया जाएगा चाइना की जो मिनिस्ट्री है एजुकेशनल मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई गेमिंग आवर्स जो है माइनर्स के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना आपको देखिए ऐसे ऐसे गंदे गंदे गेम आते हैं जैसे अभी ये तो सबसे ज्यादा ये पबजी छाया हुआ है राइट वो बीच में एक वो रशियन गेम आया था क्या था वो मछली ढूंढना फिर वो काट लेते थे पूरा बड़ा अजीम था अगेन और एक गेम आया था क्या नाम था उसका आखिर में आत्महत्या कर लेते तो लोग बच्चे जो है कूद जाते थे मतलब तो बहुत अजीब गरीब गेम आए एंड दैट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड प्रिवेंट फ्रॉम दीज थिंग्स देखिए खेलिए बट अगर आप ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं आपके बच्चे अगर ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत अच्छा होगा ये स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण कर सकता है एंड दैट्स वाई प्रिवेंट गेमिंग एंड दैट्स वाई चाइना फोकस ऑन माइनर्स कि भाई यही लोग जो है आगे चाइना की मिलिट्री में जाएंगे चाइना की ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे नहीं तो चाइनीज स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में जाएंगे स्पोर्ट्स में जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे hmm. ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे मिलिट्री ज्वाइन जा करेंगे मिलिट्री ज्वाइन करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएंगे रिसर्च में जाए रिसर्च एंड आर एन डी में जाएंगे तो इंटरनेट जो है ना इंसान के मतलब गेमिंग वगैरह बधिर बना रहा है मतलब बधिर समझता मंद उसको कुछ समझ नहीं आता उसके बाद आपने देखा होगा इंडिया में लाखों रुपए माँ बाप के पब्जी में उड़ा दिए बच्चों ने ग्यारहवीं का बच्चा है ग्यारह साल का बच्चा है बारह साल का बच्चा है पता ही नहीं है क्या चल रहा है माँ बाप को भी नहीं पता इतने अंधे हो रखे हैं आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक में सो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी चीज को लेकर जो है उन्होंने गेमिंग को जो है कुछ आर्स में लिमिट कर दिया इससे ज्यादा बच्चा गेम नहीं खेल पाएगा वहां पर कानून पास कर दिया अच्छा ऑनलाइन प्ले जो है वनली वन आर ऑन अ डेज और उसमें भी कहा लाइक like हॉलीडेज में वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे संडे वो सिर्फ एक घंटा खेल सकता है हफ्ते में तीन ही घंटे खेल पाएगा और दिन में एक घंटा और वो भी कब फ्राइडे सैटरडे संडे जब वीकेंड होता था कि माँ बाप भी वीकेंड में घर पे रहते हैं तो माँ बाप की देखरेख में ही वो खेलेगा एक घंटा मुझे तो बहुत पसंद आया हालांकि ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता वगैरह सब ठीक है एंड वगैरह वगैरह सब ठीक है बट बच्चों को अगर आपको एक फ्री माइंड और बहुत अच्छा बनाना है तो आपको इस तरह के जी के जो जी का जंजाल है उससे बच्चों को बचाना ही पड़ेगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स फर्स्ट टाइम आई एग्री विद द विदाइनाज न्यू लॉज आई एम फुल्ली एग्री विद दैट आई एम इट इज माई पर्सनल ओपिनियन यू कैन डिफर इट बट ये मेरा बहुत पर्सनल uh, ओपिनियन है जो यंग लोग है यंग मतलब uh, जो 14 से लेके टीन से आगे जाके जो यंग जनरेशन है वो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज्यादा है चाइना में ये पाया गया और नॉट ओनली चाइना बट इंडिया जो है इंडिया से लेके पूरी दुनिया में जो है गेमिंग में बच्चों का इतना पागल हो रखी कि पूछो मत सो दैट्स वाई दे एडिक्शन जो है वो नहीं लगनी चाहिए ऑनलाइन गेम्स की एंड दैट्स वाई उन्होंने जो है उसको कहा है स्पिरिचुअल ओपीएम दिस इज ये एक मतलब बंदा खो जाता है ना पूरा का पूरा पर ये एक तरह की अफीम ही है ये चरस गांजा की जैसे लत होती है ना वैसे ये मोबाइल में गेमिंग की इंटरनेट की लत लग जाती है आपको पता भी नहीं चलता कि अगर आप मतलब मैं इट्स इज माई पर्सनल एडवाइस कि आप अपने मोबाइल में जो है ना कंट्रोल वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जो आपको ये बताएगा कि आपका पूरा दिन भर आपने मोबाइल पे जो बिताया कितने घंटे बिताया और उन कितने घंटों में कितना समय कहाँ बिताया तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि आप स्टडी में बिताया या टाइम पास में बिताया ये सब आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा राइट right? और इसे जो है ब्लाइंड डिवोशन ऑफ इंटरनेट सुपर स्टार्स और द डाउन ऑन द मतलब जो लोग इस तरह के इंटरनेट पे जैसे हमारे यहाँ कैरी मिनाटी है वो एक बंदा है पता नहीं मुझे तो बिल्कुल घटिया लगता है पर बच्चों में यंगस्टर्स में खास करके जो मैं स्टूडेंट्स या मेरे एज जो लोग देखता हूँ उनमें बड़ा फेमस है वो बंदा मतलब पता नहीं क्या करता रहता चिल्लाते रहते गाली गलोच करता रहता है फिर भी बहुत फेमस है बट अब इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर है उनको चाइनीज सरकार डाउन करने वाली है एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी गेमिंग आर्स पर किड्स के भी और ऑनलाइन यंगस्टर भी प्ले ऑनलाइन फॉर वन आवर फ्राइडे सैटरडे संडे आई ऑलरेडी कवर्ड एंड एकेडमिक कंसर्न है थ्रीडमिक बर्डन है ओवर बर्डन है स्कूल्स का और एकेडमिक्स का उसको भी रिड्यूस करने का प्लान चल रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट होमवर्क एंड आउटवर्डेड आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग जो है उनको भी उन्होंने कम कर दिया है और हॉलीडेज के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रख दिया है साथ ही साथ जो 18 साल के नीचे वाले लोग हैं अंडर द एज ऑफ 18 सो so उनको, उनको अलाउ किया गया है डेडिकेटेड टाइम ओनली डेडिकेटेड वन आवर टू 8 पी क्योंकि इस समय लगभग लगभग सभी के माँ बाप घर पे रहते हैं so सो इसी समय वो कर पाएगा 8 से 9 बजे के बीच में और वो भी सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज के दिन फ्राइडे सैटरडे संडे जो किड्स है उनके लिए एंड यंग पीपल जो है उनको प्रोहाबिट किया गया गेमिंग को और उनको जो है वो एनी मतलब थ्रू द वीक मंडे थर्सडे अंडर द न्यू लॉज और फिर अप्लाई किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग फोन्स पर भी ये सब चीजें लागू होगी मतलब चाइना जो है अब अपने घर के बच्चों को घर में घुस कर जो है प्रिवेंट करने वाली है कुछ चीजें ठीक है कुछ चीजें गलत भी है इसमें बट अब वो चाइना है अपना देश तो है नहीं कि क्या क्रिटिसाइज करे राइट right? तो ये सब चीजें है इसमें इसका मेन उद्देश्य है हेल्दी हेल्दी चाइनीज जनरेशन को बनाना जनरेशन को बनाना मेकिंग मेक अ हेल्दी चाइनीज जनरेशन सो दैट्स वाई सो दिस इज द न्यू थिंग फॉर यू सो प्लीज आप इसे नोट करिएगा अच्छे से पढ़िएगा और आप सभी लोग जो है इसको यूज करिएगा आपके इंटरव्यू में मेन्स में, में कई अगर एग्जाम्पल्स देने हैं तो यू कैन कम्पेरेटिव क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी अभी बढ़ गई है यूपीएससी में कंपेरेटिव क्वेश्चन भी बढ़ गए हैं एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस आस्पेक्ट सो ग्रैब इट एंड थिंक इट एंड अब्जो इट एंड इम्प्लीमेंट इट ओके चलो थैंक यू वेरी मच आप लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे फटाखों से बचिए और पढ़ते रहिए थैंक यू गुड नाइट